नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक अदालत 26 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी, ताकि उसकी स्थिति पर चर्चा की जा सके। पाक प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रतापगढ़ अदालत में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें पाकिस्तान में भगवान गणेश के मंदिर को नष्ट करने की अनुमति देने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता एक वकील और अखिल भारतीय ग्रामीण बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने आरोप लगाया है कि भारत के संपादकीय सद्भाव को बिगाड़ने के लिए एक अनियंत्रित भीड़ द्वारा मंदिर को कथित रूप से नष्ट किया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि इस अपराध में अपराधियों के साथ खान का भी हाथ शामिल था, क्योंकि उनकी पार्टी के एक नेता ने भी मंदिर को नष्ट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ शुरू किए गए शीत युद्ध का हिस्सा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोबई ने अपने पूर्ववर्ती बीएस येदुरप्पा को कैबिनेट रैंक का दर्जा प्रदान किया है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग डीपीआर के अवसर सचिव ने शनिवार को यह आदेश जारी किया। डीपीआर के प्रोटोकॉल विंग के आदेश में उल्लेख किया गया है कि जब तक वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोबई पद पर रहेंगे, येदुरप्पा को कैबिनेट स्तर के मंत्री की सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है। येदुरप्पा अब एक सरकारी बंगले, वाहन, 11 कर्मचारियों और सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। आमतौर पर निवर्तमान मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 6 महीने तक इस भत्तों को जारी रखते हैं, पर अब येदुरप्पा इसे आगे भी जारी रख पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री बोबई के आदेश से कई लोगों को हैरान कर दिया है। तो एक बड़ा आदेश सामने आया है, जहां पर कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोबई ने अपने पूर्ववर्ती बीएस येदुरप्पा को कैबिनेट रैंक का दर्जा प्रदान किया। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग डीपीआर का अवर सचिव से शनिवार को यह आदेश जारी किया गया है। डीपीआर के प्रोटोकॉल विंग के आदेश में उल्लेख किया गया है कि जब तक वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोबई पद पर रहेंगे, येदुरप्पा को कैबिनेट स्तर के मंत्री की सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी, और ऐसा पहली बार होगा। येदुरप्पा अब एक सरकारी बंगले, वाहन, 11 कर्मचारियों और सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का उपयोग लगातार जारी रख सकते हैं। आमतौर पर निवर्तमान मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 6 महीने तक इन भत्तों को जारी रखते हैं, पर अब येदुरप्पा इसे आगे भी जारी रख पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री बोबई के आदेश ने कई लोगों को हैरान भी किया है। यूपी के प्रतापगढ़ की जिला जेल में एक कैदी की मौत का मामला सामने आया। मामले में परिजनों ने थाना अध्यक्ष संग्रामगढ़ अमित सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि थाना अध्यक्ष ने विपक्ष से पैसा लेकर फर्जी मुकदमा लिखा था। मृतक बुधई सरोज के पुत्र और पत्नी ने थाने अध्यक्ष पर घुसखोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे पिता लड़ाई के समय मौजूद ही नहीं थे, न ही हमारे भाई मौजूद थे, फिर भी थाना अध्यक्ष अमित सिंह ने घूस लेकर मुकदमा लिखा, जिसकी वजह से हमारे बेकसूर पिता को जेल जाना पड़ा। वहीं अब मामले में परिजन शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक डीएम और एसपी मौके पर आकर दोषी थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अपनी कार्यप्रणाली के चलते थाना अध्यक्ष अमित सिंह अक्सर विवादों में रहा करते हैं। हमारी यही मांग है कि हमें न्याय चाहिए। हमारा बाप बेकसूर था,
उसे सिर्फ पुलिस द्वार से ले गए खींच के, जो कि वो लड़ाई में था ही नहीं सर। हमारे दोनों भैया बहुत बेकद गरीब हैं। हमारे भाई के ऊपर मुकदमा चल रहा है सर। हमारे बड़े भाई का नाम नहीं था सर, उन लोगों ने जबरदस्ती खींच कर संग्रामगढ़ की पुलिस ने ले गई सर। वहां पर 25,000 रुपये दिए सर बड़े भाई को छुड़वाने के लिए, और हमारे छोटे भाई को भी छुड़वाने के लिए 25,000 रुपया दिया है सर। हमारा पाप बहुत बेकसूर था। हमारे भाई के मुकदमा ना चले सर, हमें चाहिए इंसाफ सर। अगर हमें इंसाफ मिलेगा तभी हम लोग जी पाएंगे, नहीं तो आप लोग भी जोन करेंगे क्या करेंगे। मांगी है हमका खेती चाहिए जी। पान ठीक कन्या है और एक विधवा हो गया है, वो नतनी का हम ले यही जी। यही जे मर गवा उहली सी जी। उनका हमका शादी करे कहा है, हमरे बेटवा का नाव कटावा, हमका पर्ची दिया, मोहर लाए के हमका नगद दिया साहेब। तो हमार मांग यह है, नहीं हम लहास न उठे देव ठीक से। हाँ, यूपी के हापुड़ में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि युवक का शव हत्या कर फेंका गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना धौलरा क्षेत्र के गांव करणपुर जट के जंगल का है, जहां सुबह गौतम बुद्ध नगर निवासी ताहिर का शव पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि ताहिर गांव करणपुर जट में अपनी ससुराल में रह रहा था और काम की तलाश में 2 दिन पहले अपने घर से निकला था, और आज सुबह उसका शव करणपुर जट के जंगल में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर लगातार जांच कर रही है, लेकिन अभी साफ नहीं हो पाया है कि हत्या है या आत्महत्या। सारा जी, किसी ने मार के गिरा है या पहले ही मारा पड़ा है, कहीं से लाए हैं उठाए गए, क्या हुआ है क्या ना हुआ जी। तो ऊपर वाले हमें तो फोन गया, तब हम यहाँ आए। मेरा सगा भतीजा है, माँ बाप पहले मर गए, ससुराल में रहता था। तो क्या लग रहा है आपको? हत्या रहा जी इसकी, वो होनी चाहिए। इंक्वायरी किसने मारा, क्या हुआ। अच्छा अच्छा, तो चोट के निशान भी है कहीं? चोट के निशान हैं जी। क्या करता है? लकड़ी का काम करता है। तो पुलिस आ गई यहाँ पे? पुलिस आ गई जी। यहाँ जो डेड बॉडी मिली है, ये हमारे करणपुर जट का दामाद है। तो क्या लग रहा है आपको? मतलब क्या रहा है, इसका चोट वोट लग रही है, इसे मार मूर के घेर गार गए। अच्छा, तो पुलिस आ गई है यहाँ पे? पुलिस आ चुकी है। काम न कर रहा तेना जमीन बेच के, तू तो ये सोच रहा कि मैं जमीन को ही खा लूं, तू काम पे आ जा मेरे दौरे, तू तो आ ही ना रहा काम पे। भैया चल सोचूंगा, सलाह मशवरा करूंगा घर में, मैं जब आऊंगा। कौन आयो? अरुण। अच्छा, का अरुण? दिल्ली का आयो। तुम्हारा रिश्तेदार है कौन? ना रिश्तेदार ना, वैसे ये काम हम करे नुई न मामा कह गया बस, यहाँ की तरफ से नारायणपुर की तरफ से। अच्छा, नु मामा तुम मेरे मामा। अच्छा, अब काम पे जब कल गए हैं या परसों? परसों गए। परसों फोन आया उसका? ना मेरे दो ना आया, बस इनका ही आया परसों। परसों आ गया तो क्या बताया? परसों सवेरे आया मेरे पास, परसों सांझ आया मेरे पास, तो मैं हारून की दुकान पे हूँ, मैं पहुँच गया हूँ। मन की ठीक है, मन की काम मिला नू तो घर को गया, मन की घर को गया तुम नू, मैं यही है दुकान पे। मन की अच्छी है। फिर सवेरे कल 6 बजने से पहले आया, सब लोग तू ठीक ठाक है? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तने क्या बताया? चुप। तने क्या बताया? चुप, तसल्ली से। बस इतनी कह के चल, मैं दोपहर को बात करूंगा तुझसे। फिर भैया मैं 11 बजे लो बांट देगी, फिर मैं फोन मिलाने पर। मन की नु कह रही दोपहर को बात करूंगा, दोपहर को करूंगा, उन्होंने तो फोन ही ना करा। लोंडिया नु कह रही अम्मी पापा ना फोन ना आया। मन की बीवी ना, इतनी कहते ही मेरा दिल सा घबराया। मन की पता ना, लोंडिया भी कह रही है फोन भी ना। फिर भैया मेरी बात ना हुई, सारी रात मुझे फोन मिला तो ये हो गए, मेरी आँख नहीं लगी। फोन ना, बैल पूरी पूरी गई है, फोन नहीं था। फोन नहीं टाया, बैल पूरी पूरी गई है, फोन नहीं टाया। मन की वो तो एक बैल पे गैल फोन टाला। अच्छा, हारून जो नारायणपुर इसकी रिश्तेदारी है। जौलान में यमुना, बेतवा, सिंधु, चंबल और कुआरी में बढ़े जलस्तर से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में कई गांव ऐसे हैं जहां के हालात हद से ज्यादा खराब है और राहत सामग्री पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद सेना द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में
जिला प्रशासन ने राहत सामग्री बांटने का काम शुरू कर दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम जिले की प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार की देखरेख में किया जा रहा है। साथ ही जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने स्वयं हेलीकॉप्टर में बैठकर बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री को पहुंचाने का काम किया है। आपको बता दें कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सेना के जवान जो हैं वो लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जो कि दुर्गम क्षेत्रों में हैं, जहां तक पहुंच पाना आम लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में इन जगहों पर हेलीकॉप्टर की मदद से जवान जो है सारी राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट ली जा रही है। मऊ के दोरीघाट थाना क्षेत्र के मधुबन बिलौला मार्ग सोनबरसा गांव के पास देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब छत्तीसगढ़ से आ रही एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रात के समय कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें कार सवार 7 लोगों में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है, जहां से उन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया। घटना यह है कि वो छत्तीसगढ़ से बाहर से आ रहे थे और आपका दोहरीघाट से जो रोड गया मधुबन के लिए, आगे एक बिलौली चट्टी पड़ती है, वहीं पर एक नहर है छोटा सा, वहीं पर जो गाड़ी की पलटी खाई थी, उसमें 4 बच्चे थे, 3 जेंट्स बड़े लोग थे, एक औरत एक्सपायर हुई है और 4 बच्चे जो है एक्सपायर हुए हैं, 2 लोग से बचे हैं। छत्तीसगढ़ से ये चल के कहाँ जा रहे थे? मधुबन जा रहे थे, गिराने वाले फुलवरिया गांव के थे, गोरखपुर जिला। एक्सीडेंट में गाड़ी ऑटोमेटिक चेक मुका गई थी। ऐसा है, एक फैमिली झारखंड से मधुबन अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। ये रहने वाले बेसिकली चौरी चौरा गोरखपुर के हैं, तो रास्ते में एक दुर्घटना घटी। एक गाड़ी, इसमें 7 एक परिवार के 7 लोग थे, इसमें 4-5 बच्चे भी थे, तो ये सड़क के किनारे किसी तरह से इस गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें 5 लोगों की डेथ हो गई, 2 लोग बच गए हैं, इसमें बच्चे भी हैं, एक महिला और 4 बच्चे शामिल हैं जिनकी डेथ हो गई है। चल, कहाँ से आ रहे थे और क्या? ये आ रहे थे झारखंड से और अपने किसी रिश्तेदार, छत्तीसगढ़ से आ रही थी। यह सूचना है कि ये अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मधुबन जा रहे थे। देर रात की घटना है, अभी बची हुई टोटल और भी जानकारी की जा रही है। जो घायल है उनका, उनका उपचार हो रहा है और जो मृतक है अभी तुरंत ही पोस्टमार्टम इसी अस्पताल में शुरू होने जा रहा है। प्रशासन की तरफ से इनको क्या मौजूद? वो पहले एक्चुअली ये बेसिकली जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से ही इन्हें जो दे होगा, अभी पोस्टमार्टम होगा और जैसा भी निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। कानपुर देहात में हुई विवाहिता की मौत की घटना का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस घटना का जिक्र उन्होंने दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आपको बता दें कि बीते महीने कस्बा मंगलपुर की युवती की औरैया जिले में उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जबकि इस मामले में मृतका के परिजनों ने ससुराल जनों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया था। जहां पर कुछ दिनों पहले एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसमें आप नेता ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कानपुर देहात में एक मामला सामने आया है, दहेज हत्या का मामला। भारी आक्रोश है लोगों में, काफी वहां पर प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर, और उसमें कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। गौरी त्रिवेदी औरैया का यह मामला है, दहेज हत्या का मामला, और इनके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। वहां इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं लोग, आंदोलन कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, रोष है। तो मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि अपनी सरकार की ओर से झूठ बोलने की कार्रवाई रोकिए। यूपी के हाथरस के तालाब चौराहे पर ओवरब्रिज के नीचे एक युवक का निर्वस्त अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक शहर का रहने वाला है,
जो देर रात को घर से गायब हो गया था। मृतक नशे का आदि बताया जा रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस गहनता से जांच करने में जुट गई है। पूरी घटना कोतवाली सदर के तालाब चौराहे ओवरब्रिज के नीचे की है, जहां सुबह के समय लोगों ने एक युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। जब कुछ लोगों ने पास में जाकर देखा तो पाया कि वो मृत है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कुछ लोगों ने पुष्ट दावा करते हुए कहा है कि मृतक का नाम चीनू है, जो परसट्टा बाजार का निवासी है और नशे का आदि था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दुकानदारों के मुताबिक मृतक को रात के समय घूमते हुए देखा गया था। इसके आधार पर लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बीजेपी आगामी चुनावों की तैयारी कर रही है। इस बीच आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर का दावा है कि मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी दोनों समाज में फूट पैदा कर रहे हैं। मंत्री मीडिया को दिए गए एक विशेष शास्त्रकार में आरोप लगाया है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उन्होंने जाति विशेष के कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लामबंद करना शुरू कर दिया है। वे लोगों के बीच सांप्रदायिक नफरत भी पैदा कर रहे हैं और अपने छोटे छोटे राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांट रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि ये देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती दोनों ने जाति समीकरण पर खेलना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि दोनों नेता जाति और सांप्रदायिक आधार पर लोगों को भड़का रहे हैं और वे अपने मिशन में सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के एकमात्र उद्देश्य के साथ एक समावेशी समाज के लिए लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 15 अगस्त को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 कुशल श्रमिकों को टूल किट और पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उनमें से कुछ के साथ मुख्यमंत्री बातचीत भी करेंगे। ये योजना 26 दिसंबर 2018 को श्रमिकों के कौशल को परीक्षण के माध्यम से सम्मानित करने और उनकी उत्पादकता में सुधार के लिए उन्नत टूल किट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कार्यक्रम के लाभार्थियों में नाई, धोपी, दर्जी, मोची, लुहार, सुनार, टोकरी बनने वाले और कुम्हार आदि शामिल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा है कि इस योजना को केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए श्रमिकों को न केवल किट दी जाती है, बल्कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उदार शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। तो 15 अगस्त को ये बड़ी सौगात यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन सभी श्रमिकों को देने जा रहे हैं। करीब 21,000 कुशल श्रमिक ये बताए जा रहे हैं, जिन्हें टूल किट के अलावा कुछ और तरीके से भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ऋण भी आसानी से मिल जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बाघों के संरक्षण और उनके बढ़ते कुनबे को देखते हुए एक दीर्घकालीन योजना तैयार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी भी दे दी है। इस विशेषज्ञ समिति में राज्य वन्य जीव बोर्ड के सदस्य विधायक भरत सिंह कुंदनपुर, बोर्ड के सदस्य और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पूर्व सदस्य सचिव डॉक्टर राजेश गोपाल, सिमरत कौर संधू, सुनील मेहता, धीरेन्द्र गोधा, जैसल सिंह, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के महासचिव और सीईओ रवि सिंह, निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के प्रतिनिधि तथा सदस्य सचिव राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान समिति के संयोजक होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने विगत दिनों राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक में प्रदेश में बाघों के बढ़ते कुनबे को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाने हेतु विशेषज्ञ समिति गठन करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य में बढ़ती संख्या के अनुरूप बाघों को सुरक्षित आश्रय स्थल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार नए टाइगर रिजर्व विकसित करने की योजना पर लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले में जांच अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद पुलिस की एसआईटी एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर पाई है। हालांकि पुलिस लगातार आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
पिछले दो दिनों से मैक्स कॉर्पोरेट के पार्टनर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। एसएसपी सेंथिल अबुदाई कृष्णा जस का कहना है कि एसआईटी की जांच का दायरा काफी बड़ा है, सभी पहलुओं पर विचार करके कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर स्टे खत्म होने के बाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश भी लगातार दे रही है। कोरोना जो घोटाला में जो है एसआईटी बहुत अच्छी तरह से जो है जांच कर रही है। इसमें जो है अभी तक जांच में जो है विभिन्न लैब और उसका बीच में जो मिडिलमैन है उसको भूमिका जो है क्लियर करके हमारे पास अहम सबूत मिला है। उससे जो है हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है और माननीय न्यायालय से भी जो भी आदेश है उसको भी स्पष्ट होकर माननीय न्यायालय ने जो है हमें क्लियरेंस भी दे दिया है। उस आधार पर आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर आतिशबाजी करने वाला तीसरा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने अभी तक नामजद दो भाइयों अंकुरपाल और विजयपाल को गिरफ्तार किया था। वहीं तीसरा नामजद आरोपी सुमित चौहान पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। पुलिस ने आज उस पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट लाने की तैयारी में थी। उससे पहले ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आज सुबह आरोपी सुमित चौहान को रोशनाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सेंथिल अबुदय कृष्णराज एस ने बताया कि उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस प्रकरण में तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वंदना कटारे के परिवार वाले और कई संगठन मुकदमे में देशद्रोह की धाराएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए पुलिस की जांच अब भी जारी है। वंदना कटारे के घर पर आतिशबाजी के मामले में गिरफ्तार आरोपित को जमानत मिल गई है। सिडकुल थाने की पुलिस ने दो भाई अंकुरपाल और विजयपाल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जिला जज विवेक भारती शर्मा की अदालत में विजयपाल की जमानत अर्जी दाखिल की गई। इसमें विजयपाल के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वंदना कटारे की तरह आरोपित विजयपाल भी हॉकी खिलाड़ी है और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। प्रतिद्वंदता के चलते वंदना के परिवार ने गलत आरोप लगाए हैं। वहीं सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी है कि विजयपाल ने खेल भावना का भी अपमान किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज विवेक भारती शर्मा ने आरोपी विजयपाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अयोध्या में दीपोत्सव इस बार बेहद खास होने वाला है। दीपोत्सव में अयोध्या सज संवर कर दुल्हन की तैयार हो सकती है। इस बार दीपोत्सव एक सप्ताह तक मनाने की तैयारियां हैं। योगी सरकार अयोध्या में पांचवी बार दीपोत्सव मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बार का दीपोत्सव और भी भव्य और दिव्य मनाया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं और साफ सुथरी अयोध्या दिखेगी, जिसके लिए नगर निगम ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या की मुख्य सड़कें और मंदिरों, मूर्तियों के शहर की गलियां भी दीपोत्सव के लिए तैयार की जा रही हैं। नगर निगम दीपोत्सव के पहले अयोध्या की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अयोध्या को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित करने के लिए जहां योगी सरकार ने तमाम योजनाएं चला रखी हैं, जो लगभग पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने वाली हैं, उसके मद्देनजर ये दीपोत्सव और ज्यादा भव्य होने जा रहा है। तो दीपोत्सव को लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। अयोध्या में एक सप्ताह तक दीपोत्सव चलने वाला है। इस बार का दीपोत्सव होगा वो और ज्यादा भव्य और दिव्य होने जा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अभी स्थिर है। देश में हर दिन करीब 40,000 नए मामले बढ़ रहे हैं। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेज आए हैं और 400 से ज्यादा संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटों में 43,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि कल 5,331 एक्टिव केस कम हो गए। अगस्त में तीसरी बार है जब कोरोना के मामले 40,000 से कम दर्ज हुए हैं। इससे पहले 2 अगस्त और 6 अगस्त को 40,000 से कम केस आए थे। 1 अगस्त को 40,000, 2 अगस्त को 30,000 और 3 अगस्त को 42,000। वहीं 4 अगस्त को भी 42,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 5 अगस्त को यह आंकड़ा बढ़ा था, जो कि 44,000 तक पहुंच गया था। 6 अगस्त को फिर मामले कम हुए और नए मामले दर्ज किए गए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,19,34,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,27,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,10,99,000 लोग अब भी ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी भी 4,00,000 से ज्यादा है। कुल 4,06,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज जारी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।